ये है कोंच के बीज, काफ़ी सारी बीमारियों में काम आते हैं। आज हम इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये ब्लैक कलर के और वाइट कलर के दो प्रकार के होते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों इसके फायदे और नुकसान, किस प्रकार से इसको यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त सचिन कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज आपको बताने वाला हूँ कोंच के बीजों के फायदे और कोंच के बीज का पाउडर किस प्रकार से बना सकते हैं हम घर पर। क्योंकि अगर हम मार्केट से बना बनाया किसी भी कंपनी का पाउडर अगर खरीदते हैं कोंच के बीज का, तो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे नीडको कंपनी का बहुत थोड़ा सा पाउडर आता है 50-60 रुपये का, ऐसे तो 50-60 रुपये में आपको इतने सारे बीज मिल सकते हैं और ये लगभग आप इसको 20 दिन से एक महीने तक चला सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से इसको बनाना है पाउडर, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और किस टाइम इसको खाना चाहिए, कौन कौन लोग इसको खा सकते हैं, मतलब किस समस्या में आप इसको खा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी कोंच के बीजों से संबंधित मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोंच के बीज किन किन को खाने चाहिए। कोंच के बीज जो है उन लोगों को खाने चाहिए जिनको शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी रहती है। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में आपको लगता है कि किसी प्रकार की कमजोरी है, आप खड़े होकर जैसे चक्कर आते हैं, या फिर आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत डाउन रहता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में कहीं दर्द रहता है, या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इस प्रकार की अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं जब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको सीमित मात्रा में यूज करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। आप आधा चम्मच पाउडर कोंच के बीजों का 18 साल की उम्र के बाद आराम से यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। इसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। आप चाहें तो 15 दिन यूज करके या 10 दिन यूज करके छोड़ दें, फिर एक महीना बाद यूज करें, 15 दिन 10 दिन यूज करें, फिर छोड़ दें, फिर एक महीना बाद 15-20 दिन यूज करके इसको छोड़ दें। इस प्रकार से इसको यूज़ करना होता है, ना कि आप इसको कंटिन्यू यूज करें, क्योंकि ये शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी कर देता है। आप बहुत ज़्यादा मतलब शरीर में एनर्जी आपको लगने लगेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में जाते ही ये बहुत अच्छे लेवल पर प्रोटीन्स को बनाता है और हमारी बॉडी में जो सेक्सुअली हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव कर देता है और हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है ये कोंच का बीज। तो इसका पाउडर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार का एक लोहे का इमाम जस्ता लेना है, जिसे हम ओखली भी बोलते हैं गाँव की भाषा में। इस प्रकार से इसके अंदर कूटा जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ होता है, लोहे का बना हुआ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। इसको हम गांव की भाषा में ओखली बोलते हैं और इमाम दस्ता इसे उर्दू में बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये हैं कोंच के बीज। कोंच के बीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। कोंच के बीज जो होते हैं सफ़ेद भी होते हैं और काले भी होते हैं, दो तरीके के कोंच के बीज आते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आकार सेम होता है, आप देख सकते हैं इसका कुछ प्रकार से इस प्रकार का आकार होता है, आप इसको देख सकते हैं और मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। काले भी मिल सकते हैं आपको, सफ़ेद कलर में भी मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों का काम लगभग बराबर होता है, परंतु अगर आपको काले कलर के मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और काले कलर के थोड़े से महंगे मिलते हैं और सफ़ेद कलर के थोड़े से सस्ते मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसमें डाल लेना है, हम ये लोट लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लोटने के बाद अब इसको कूटना है, जब ये थोड़ा थोड़ा बारीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पीसने के बाद ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में घुमाना है, मिक्सी में पीसना है इसको, ताकि ये बारीक पाउडर के रूप में हो जाए, क्योंकि ये बीज डायरेक्ट मिक्सी में अगर हम पीसते हैं तो नहीं पीस पाते हैं। तो इस प्रकार का हो जाने के बाद आप इसे मिक्सी में पीसें। ये पाउडर आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये पाउडर हो गया है। इस पाउडर को हमें रात को सोते समय गर्म दूध के साथ, आधे गिलास दूध के साथ आधे चम्मच पाउडर हमें खाना है। खाना कैसे है, तो आधे चम्मच पाउडर लेंगे, दूध में डालेंगे और घोलेंगे और उसको पी जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको यूज करना है। आप देखेंगे सुबह को आपके शरीर में एक अलग प्रकार की एनर्जी आपको दिखेगी, और ये प्रोसीजर लगातार 10 से 15 दिन करना है, मतलब 7 दिन करें, 15 दिन करें और एक महीना छोड़ दें, या 15 दिन छोड़ दें फिर इसको दोबारा यूज करें, मतलब 15 दिन यूज करें, 15 दिन छोड़ दें, 15 दिन यूज करें, 15 दिन छोड़ दें। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव है, हमारी बॉडी पर अलग ही प्रकार के प्रभाव दिखते हैं, चाहे वो कमजोरी हो, शरीर में कहीं दर्द हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, आपका फेस मुरझाया हुआ रहता हो, थकान सी हो जाती हो, या फिर सेक्सुअल पावर में कमजोरी हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, आप इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है। फिर मिलेंगे इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। नमस्कार।